तो हाय गाइस, वेलकम आप सभी का एक नए वीडियो में यार। और आज अपने हॉस्टल 17 IIT बॉम्बे में हो रहा है गाला डिनर। यार गाला डिनर के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। जिस तरीके का खाना आपने शादियों में पार्टियों में खाया होगा ना, उससे भी बढ़िया खाना इस टाइम पे अपने हॉस्टल में बनाया जाता है और सभी उसका बिल्कुल दिल उठा के दिल खोल के लुत्फ लेते हैं। तो आ जाओ इस वीडियो में देखते हैं कि क्या चीज़ें बनी है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर मयूर मिल गया। भाई खाली प्लेट लेके आया, इसका खाली प्लेट देखो मयूर, क्या एक्सपेक्टेशन है भाई तेरी? अभी आया वो देखते हैं यार, ऐसा अच्छा खाना मिलना चाहिए एकदम खतरनाक। तो चलो देखते हैं मयूर की ख्वाहिश। H9 जैसी मजा तो नहीं आएगा बट ठीक है, देखते हैं। तो मयूर H9 की बात करें जो हमारा पुराना हॉस्टल था। खैर चलो, लगता है डिंकू भाई का प्लेट आप देख सकते हो बचा हुआ दिख रहा है कुछ, मतलब इन्होंने खाना खा लिया है। कैसा लगा खाना? खाना तो यार वेज था, तो वेज तो ठीक ही होता है, मतलब नॉन वेज हम खाते नहीं है और नॉन वेज वालों के मजे होते हैं इस गाला में तो। चलो आ जाओ देखते हैं क्या क्या चीज़ें बनी है, किस तरीके से बना है और आपको भी दिखाते हैं। तो इस तरफ से आप देख सकते हो, यहाँ से आई गेस कुछ जूस वगैरह स्टार्ट है। कौन सा जूस है भैया? ये मोहितो है यहाँ पे। साथ में अगर आपको पानी पीना है तो यार देख सकते हो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर भी है अपने पास। एंड इस तरफ पे आप देखोगे तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर कॉर्न स्प्रिंग रोल, आपको पसंद है क्या विवेक भाई? ये हाँ भाई अभी खाएंगे, पसंद तो है बहुत। तो चलो देखते हैं, हमें पनीर कॉर्न स्प्रिंग रोल है, इसके अलावा आप देख सकते हो पनीर कुरकुरे भी है। तो स्टार्टर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियंस के लिए है, ये सारी चीज़ें चीज़ कॉर्न बोल्स है। और हमारे देव भाई खाना खाया? खा ही रहे भाई। अभी तक क्या क्या खाया? स्टार्टर से खाया, अभी पहला ही है, जस्ट आए अभी तो खाने। कैसा लगा स्टार्टर? ठीक है, मतलब अच्छा ही है। तो देख सकते हो भाई गुजराती हो तो खाने में एक्सपर्ट होते ही है, तो ठीक है कह रहे हैं। इसके अलावा आदित्य भाई खाना खाया? अभी शुरू किया जस्ट, एक नंबर। अभी ऐसा लग रहा शादी के रिसेप्शन में आए हैं, माहौल पूरा सेट हो रखा है, बट हमने एक अभी चिकन स्टिक उठाई है, इसको टेस्ट करते फिर आगे जजमेंट देंगे। बिल्कुल जैसे नहीं अभी हम खाने वाले हैं तो देखते हैं। वैसे इन्होंने सही बोला, बिल्कुल शादी वाला माहौल होता है। आप देख सकते हो हमारे जो सर्व कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सज धज के आया है। तो आप हमेशा से सज धज के रहते हैं? हाँ सर, हमेशा से सज धज। बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप। तो आप देख सकते हैं काफ़ी। डीना भाई खाना कैसा, एक वर्ड में बताओ। एक मिनट लेंगे इतना टाइम। चलो मस्त है काफ़ी अच्छा है। एंड इसके अलावा इस तरफ पे कुछ गेम्स भी हो रहे हैं तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। एंड इस तरफ लोग खाना खा रहे हैं बैठ के। हाँ बस एक चीज़ की कमी है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट उतना प्रॉपर नहीं है तो लोग नीचे बैठे खा रहे हैं। बट यार दोस्तों के साथ हो, कॉलेज में हो, हॉस्टल में हो, तो ये तो फन होता है यार, तो मतलब इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नॉनवेज का काउंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉनवेज स्टार्टर्स है, यहाँ पे चिकन ड्रमस्टिक्स है। आपने खुद ने खाना खाया? नहीं अभी तो नहीं खाया। कब खाओगे आप? पैकअप होने के बाद। आपको देख के कैसा लग रहा है, कैसा टेस्ट होगा इसका? टेस्ट तो अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, इन्होंने बताया टेस्ट। अरे आपने खाना खाया? अभी खाने जा रहा हूँ मैं। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशन है इनकी। ये नॉन वेज स्टार्टर्स में है। एंड देन आगे लेके चलते हैं, मेन कोर्स भी है वहाँ पे, वो भी आपको दिखाएंगे और लुत्फ उठाइए वीडियो का। यार बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। तो यार यहाँ पे देख सकते हो हमारे दो युवा शेर यहाँ पे बैठे हुए हैं, पंडित जी और विपुल। कैसा लगा खाना तुम्हें? अच्छा था खाना, अच्छा था। नहीं अच्छा है खाना, अभी खा ही रहा हूँ, अभी थोड़ा और खाऊंगा। इसका प्लेट खत्म हो चुका है और कह रहा है अभी और खाना है। लंबी लगी इसलिए बैठ गया हूँ, थोड़ा खाली होने तो जाएंगे। वैसे बैठ के खाना अच्छा लग रहा तुम लोगों को? नहीं खाना तो खड़े होकर खा रहे हैं, बैठ गए क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी है इसलिए बैठ गए। वैसे काफ़ी लोग बैठे हुए, इधर एक बार दिखा सकते हो, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। भैया आपको खाना कैसा लग रहा है? यार बहुत टेस्टी है, बहुत वैरायटी है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है यार, यही चाहिए लाइफ है यार, मज़ा आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें तो सेकेंडरी है। और इसके अलावा लाइन देखो यार, लाइन देखो कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो लोग जो है बेसिकली लाइन में लगे हुए हैं। अगर आपको अच्छी चीज़ें चाहिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, तो वेट वर्थ इट होगा यार अगर इतने अच्छा खाना खाने को मिलेगा आपको। तो यार इस तरफ मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए जो डिश है वो यहाँ पे लगी हुई है, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। विक्स वेजिटेबल सूप है यहाँ पे। एंड देन ये कौन सी डिश है? पनीर, पनीर की डिश है यहाँ पे। एंड आगे चलते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो वो आपको दिखाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग मिल गए तो चलिए इनसे बातें करते हैं, कैसा खाना लग रहा है साहिल भाई? बढ़िया खाना है। बढ़िया है क्या? बहुत बढ़िया खाना है, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है। सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे बासुंदी, वेलकम ड्रिंक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। फिश भी अच्छी थी। तो चलो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों को अच्छी लग रही है। एंड हम भी देखते हैं यार क्या क्या है। तो वेजिटेरियन काउंटर आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एंड यहाँ पे है लाइव मिक्स वेज तवा। तो लाइव मिक्स वेज तवा में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सर खाना कैसा लग रहा है? अच्छा है, बहुत है। अच्छा है क्या? हाँ। काफ़ी अच्छे इंसान है। ठीक है, सब खाना अच्छा। चलो आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं।
एंड यहाँ पे पनीर बिरयानी है, तो बिरयानी का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा स्टीम राइस है, अगर आपको बिरयानी पसंद नहीं है तो स्टीम राइस खाओ यार। दाल तड़का स्पेशल है, स्पेशल लिखा तो हुआ है, स्पेशल है या नहीं है खा के पता चलेगा, तो वो बाद में बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पे पापड़ है और उधर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी चलते हैं। तो यार यहाँ पे तंदूरी रोटी बन रही है बेसिकली, एंड अभी के अभी बन रही है और यहीं पे तुरंत जैसे देखो आप निकल भी रही है, तो ज़बरदस्त है यार। मतलब ताज़ी रोटी हो तो खाने में मज़ा और भी बढ़ जाता है। देन यहाँ पे मिस्सी रोटी भी है, मिस्सी रोटी भी अभी बन रही है, अभी निकल रही है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि ठंडा हो गया, ऐसा ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे घी बटर जो भी है वो रखा हुआ है। देन आपके पास गार्लिक नान भी है, आपको नान पसंद है आप नान खा लो, एंड नान भी आप देख सकते हो तुरंत बन रहा है, तुरंत निकल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे रुमाली रोटी है। तो यार यहाँ पे बेसिकली काफी टाइप्स के डोसा बन रहे हैं, आई गेस कितने टाइप के बन रहे हैं? चार प्रकार के डोसे। क्या क्या? सेजन डोसा है, मैसूर डोसा है, और अपना मसाला डोसा है, पनीर डोसा है, और ये अनलिमिटेड है। हाँ अनलिमिटेड है यार, अनलिमिटेड है और चार टाइप्स के डोसा है। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप देख सकते हो यार सैलड है, रशियन सैलड है, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, एंड साथ में फ्रूट्स वगैरह भी है, ग्रेप्स है, ये फ्रूट सैलड इधर रखे हुए है। तो यार देख सकते हो, इसके अलावा चाट काउंटर भी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आलू टिक्की चाट बन रही है, गर्मा गर्म आलू टिक्की चाट है, देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट जब आप जिम जाने लगते हो ना तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे चाट बन रहा है उसी टिक्की का, एंड देन यहाँ पे पापड़ी चाट वगैरह भी है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई होप अगर खा पाए तो बेटर बताएंगे। बट इसके अलावा इधर आप देख सकते हो यहाँ पे पानी पूरी का भी आपको काउंटर देखने को मिल जाएगा, और पीछे भी आपको पानी पूरी वगैरह देखने को मिल जाएंगी, एंड लोग काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं यार, तो और बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो यार डेजर्ट्स की लाइन इतनी लंबी है कि मैं सोच रहा हूँ लाइन में जाके उधर से दिखाने से अच्छा है पीछे सूरज खा रहा है डेजर्ट, तो क्योंकि उसके प्लेट में ही दिखा देते हैं। सूरज भाई डेजर्ट्स में क्या क्या है? डेजर्ट में तीन चीज़ है, मटका कुल्फी, फालूदा और ब्राउनी। एक बार आप क्लोजअप भी दिखा सकते हो, बेसिकली ब्राउनी है, ये क्या है, मटका कुल्फी है, फालूदा, बस तीन चीज़ है। तो तीन चीज़ काफ़ी होती है यार, बस कह रहे वैसे हम तो लाइन देखो कितनी लंबी है। वही लाइन काफी लंबी है। सूरज कैसा स्ट्रगल था आपका इस लाइन में लग के? मैं तो आगे घुस गया। चीटिंग भाई, चीटिंग चीटिंग कर रहा है वो एक दोस्त आगे घुस गया, मैं आगे भाई प्रॉपर चीटिंग किया, पकड़ा गया भाई। भाई काकड़े भाई मिले, और इनका प्लेट देखो एक बार कितना भरा हुआ है। काकड़े भाई खा लोगे इतना? हाँ हाँ, मुर्गा इट इज। खाना स्टार्ट किया या अभी चल रहा है? राउंड वन राउंड टू। काकड़े भाई का राउंड वन राउंड टू, कितने दिन से उपवास रखा था इसके लिए? सुबह से उपवास था भाई, तो आज तो पेट पूजा होगी पूरी चिकन। चलो मिलते हैं, थैंक यू। यहाँ पे संदीप भाई मिले हमें, आप कुछ बताना चाहेंगे आज के गाला डिनर के बारे में? हाँ रिव्यू देना चाहूँगा मैं। एक्चुअली क्या होता है ना, वेज वालों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। वेज नॉन वेज वालों को क्या होता है, नॉन वेज भी मिलता है और वेज भी खाते हैं, वेज वाले को सिर्फ वेज मिलता है। हमारे भैया यार काफी मेहनत करते हैं, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो इनकी देन ही है, हमारे अन्नदाता है। तो नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आप बताए कैसा आज का अरेंजमेंट के लिए आपने कितनी मेहनत की? हम लोगों ने सुबह से बहुत ज्यादा मेहनत की है, आप बताइए आपको खाना कैसा लग रहा है? अभी तक मैंने तो नहीं खाया, तो अभी बता नहीं सकता हूँ, थोड़ी देर के बाद खाऊंगा फिर बताऊंगा। यार यहाँ पे काफी लोग मिले हैं मुझे और फूड के बारे में थोड़ा रिव्यू देना चाहते हैं, तो एक वर्ड में पूछते हैं कैसा लगा इनको खाना, कैसा लगा आपको? अनएक्सपेक्टेड, अच्छे वे में बुरे वे में? एकदम पॉजिटिव, पॉजिटिव वे में। सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डेजर्ट तो सही था, बाकी जलेबी बोल सकते हैं, जलेबी गोल गोल। आप बताओ? नॉनवेज तो अच्छा था लेकिन वेज उतना अच्छा नहीं था। चलो आप क्या बोलना चाहोगे? एज एक्सपेक्टेड अच्छा है बुरा? इतना ही एक्सपेक्ट किया था, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। चलो मिक्स रिएक्शंस है यार लोगों के। और सबसे फेवरेट क्या लगा तुम्हें? मटन यार, हम तो वेजिटेरियन आदमी है, मतलब एक्चुअली बहुत दिन बाद मिलता है ना खाने को, तो बहुत ही टेस्टी था। चलो बढ़िया, अपने वेदांत भाई है और अभी तो डेजर्ट खाते हुए दिख रहे हैं। आपने खाना खा लिया मतलब? कैसा खाना था आपको? अरे बहुत मस्त था खाना, काफी ज्यादा वैरायटी थी। नॉनवेज खाया मैंने तो चिकन वगैरह बहुत अच्छे से बना हुआ था, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बेस्ट चीज़ क्या लगी, बेस्ट डिश क्या लगा आपको? बेस्ट डिश मुझे मटन कीमा लगा, काफ़ी यूनिक आइडिया था, मतलब यूजुअली नहीं होता मेन्यू में, काफ़ी मस्त था। चलो थैंक यू सो मच। और मटन काफ़ी लोगों को अच्छा लगा ऐसा मैंने सुना है, तो आई गेस काफ़ी अच्छा होगा ये। तो यार बेसिकली स्पेशल डिनर के साथ साथ, अच्छा खाना के साथ साथ आपको कुछ गेम्स भी देखने को मिल जाएंगे। किंग ऑफ द हैमर चल रहा है, तो देखते हैं एक बंदा मारने वाला क्या स्कोर होता है इसका। पहले इसने 420 मार रखे हैं यार, ये थ्रो इतना अच्छा नहीं था यार, तो कम 180, बट पहला थ्रो काफ़ी अच्छा था 420। एंड इस तरफ आप देखो बुल राइडिंग भी है, तो आप बुल राइड भी कर सकते हो। सोच रहा हूँ मैं भी ट्राई कर लूँ, बट देखते ट्राई करना है या नहीं।
सर यही तक था ये वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है एंड खाना अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ये सिल्वर प्ले बटन को हम गोल्ड प्ले बटन में बदल पाए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से भर भर के कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। चलो बाय बाय गाइस।